यस हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं केमिस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज में आपको बताऊंगा जो फाइनल एग्जाम में आपके आ सकती हैं फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इस एक्टिविटी नंबर है 1.4 इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है और यहां पर आपके पास सब चांसेज एड हो रहे हैं एक है आपके पास सी और दूसरा है आपके पास वाटर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है इसमें लास्ट में लिखा हुआ है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर सो आंसर होगा इसका येस बिकॉज यहां पर हीट रिलीज होगी सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7 पॉइंट ये है इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर सो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है यहां पर एसिडिफाइड वाटर यानी H2O में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यहां पर जो गैसेस निकलेंगी एच टू और ओ टू निकलेगी आपसे पूछ सकते हैं किस रेशो में गैसेज निकलेंगी तो रे, रेशो होगा यहां पर टू इज टू वन

सिल्वर क्लोराइड है ए जीसीएल और वजह से क्या होगा डी हो जाएगा और ये हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में तो यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है वाइट सिल्वर क्लोराइड ये जो व्हाइट कलर का था ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ सनलाइट सो ये क्यों हो रहा है क्योंकि सिल्वर सिल्वर क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज हो रहा है इनटू सिल्वर नेक्स्ट आपके पास जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें क्या दिया हुआ है आयरन नेल्स को रखा हुआ है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में सो so, यहां पर आपके पास क्या होगा सो so, आयरन यानी एफ ई कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर क्या रिएक्शन बनेगा यहां पर एफ एसओ फोर प्लस सी यू सो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा यहां पे जो आयरन नेल है आपसे पूछेंगे वाई द कलर ऑफ आयरन नेल विल गेट चेंज तो आप उसमें बताओगे बिकॉज कॉपर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द आयरन क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपके पास जो यहां पर कॉपर है ये हट जाएगा और ये आयरन के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑल्सो और क्या ऑब्जर्वेशन है यहां पे जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है जो आप देख रहे हो यहां पे जो ये लाइट ब्लू है ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर में उसका रीजन ये जो मतलब लाइट ब्लू कलर है ये फेड हो जाएगा इट इज ड्यू टू डीकोजिशन रिएक्शन इट इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट एक्टिविटी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यहां पर आपके पास क्या लिया हुआ है एक तरफ तो लिया हुआ है आपके पास सोडियम सल्फेट और एक तरफ बेरियम क्लोराइड सो so, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता ही है क्या होता है आयंस विल गेट एक्सचेंज सो आयंस एक्सचेंज होंगे आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड दिस रिएक्शन अब यहां पे लिखा हुआ है राइट टू ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन आ सकता है सो so, एक तो आप ये बताओगे कि यहां पे फॉर्मेशन होगी बेरियम सल्फेट की प्लस यहां पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रह जाएगा दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो कौन सा प्रेसिपिटेट होगा उसका नाम है बेरियम सल्फेट प्रेसिबीरेट क्या होता है कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन होने के बाद रह जाता है नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास ये आपका जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है अब वहां पे कुछ एक्टिविटीज देख रहे हैं एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट थ्री यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है आपके पास जिंक दिया हुआ है यहां पर जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उसको रिएक्ट करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से सो so, एक मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस ठीक है अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास हाइड्रोजन गैस को कैसे बर्न करा हुआ है वो एक टेस्ट दिया हुआ है वट इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस तो उसमें आप क्या बताओगे कि हाइड्रोजन गैस को जो यहां पर रिलीज हो रही है उसको कहां से पास करा रहे हैं यहां पर सोप सॉल्यूशन से अब सोप सॉल्यूशन से हम जो पास करा रहे हैं तो यहां पर कुछ बबल्स निकलेंगे और उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस है और जैसे एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके आएंगे सो हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड सो ये जो पॉप साउंड का टेस्ट होता है ये किसका होता है हाइड्रोजन गैस का होता है ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट फाइव अब देखो इस एक्टिविटी में आपके पास क्या दिया हुआ है यहां पे आपके पास दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं HCl को ऐड कर रहे हैं तो देखो यहां पर इस रिएक्शन में क्या बन रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड HCl सी एल बनेगा वाटर बनेगा और CO2 बनेगा नाउ आपसे पूछेंगे वट इज द टेस्ट फॉर CO2 CO2 का टेस्ट क्या होता है सो पास द गैस थ्रू लाइम वाटर सीओ को हम पास करेंगे लाइम वाटर से और लाइम वाटर विल टर्न मिल्की आप देख सकते हो इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है जो गैस निकल रही है उसको हम कहा पास कर रहे हैं उसको हम पास कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से डेट इज लाइम वाटर से और जो यहां पर लाइम वाटर है इट विल टर्न मिल्की विच शोज द प्रेजेंस ऑफ सीओ क्योंकि सीओ क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है नेक्स्ट आपके पास आते हैं एक्टिविटी नंबर टू पॉइंट नाइन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं करके जाते ये थोड़ी सी एक्टिविटी आपको ध्यान से पढ़नी होगी इसमें आपके पास एक तरफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं लाइक सोडियम क्लोराइड है और साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड पे एक गैस निकलेगी और उस गैस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक गैस ठीक है एच जो है आपके पास एच की फॉर्म में गैस निकलेगी और आपके पास फिर पूछा हुआ है कि एच जो गैस निकल रही है उसको हम क्या लेके आ रहे हैं फिर यहाँ पे लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करा रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास ये जो है पूछा गया है यहाँ पे इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज कलर किस केस में यहां पर लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होगा सो so ये एक्टिविटी ध्यान से कर लेना बेसिकली आपके पास यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर लिटमस पेपर मॉइस्ट होगा तभी एचसीएल जो है अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा अगर अगर जो आपका लिटमस पेपर जो है वो मॉइस्ट नहीं होगा वो ड्राई होगा तो उस केस में क्या होगा वहां पर उस केस में एचसीएल जो है अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट में आते हैं एक्टिविटी नंबर टू अब इस रिएक्शन में जो बेसिकली बात हो रही है उस प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन डाइल्यूशन यानी डाइल्यूटिंग एन एसिड एसिड को डाइल्यूट करने का क्या तरीका होता है सो so इन्हों ने क्या करा हुआ है यहां पर उसको देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है टेक टेन एम एल वाटर इन ए बीकर एक बीकर में वॉटर लिया हुआ है एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एस टू एस ओफ उसमें एसिड डाल रहे हैं यानी ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास क्या है ऑलरेडी हमारे पास यहां पर वॉटर है और हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो एसिड को डाल रहे हैं सो so, यहां पर क्या पूछा हुआ है इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर आंसर इज यस इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सो आंसर क्या होगा दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक क्योंकि यहां पे हीट रिलीज होती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि तरीका क्या होता है ऐड करने का ये पूछ सकते हैं हमें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है वाटर में ताकि जितनी भी हीट एनर्जी होगी उसे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है सो वट इज द बेस्ट मेथड फॉर डायल्यूटिंग एन एसिड बेस्ट मेथड क्या है कि वी विल एड एसिड टू वॉटर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे वाटर में हम इसका उल्टा प्रोसेस नहीं करेंगे वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट ये लास्ट आपकी एक्टिविटी है टू अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ये इस टॉपिक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए हुए हैं सो so, इस एक्टिविटी में क्या होगा कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं सीयूएसाइव इनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है अब यहां पर फाइव एच टू का मतलब क्या है कि फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा ये सी यू एसओ फोर प्लस फाइव एच टू ओ आपके पास बन जाएगा रिएक्शन यहां पे और इस रिएक्शन में ये कंप्लीट हो रहा है कि ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम हीट करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देंगे ठीक है और यहां पर एक चीज और भी हो रही है कि अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करें यानी हम कॉपर सल्फेट के साथ वाटर को ऐड करें तो क्या होगा तो अगेन इसका जो ब्लू कलर है वो वापस आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एस टू सो मैंने ये सारी एक्टिविटीज जो हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी वो सारी कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो में डाली है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक बार इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना थैंक यू